नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मम्बा। दहशत का नाम ब्लैक मम्बा। ब्लैक मम्बा दुनिया का सबसे आक्रामक सांप, विश्व में 10 जहरीले सांपों में से एक है ब्लैक मम्बा। दोस्तों आइए हम जानते हैं खौफ का बादशाह ब्लैक मम्बा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहले हम जानते हैं ब्लैक मम्बा। ब्लैक मम्बा अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे फुर्तीला सांप है, और ये सांप ब्लैक इसीलिए कहा जाता है। ये सांप एक्चुअली काला नहीं होता है, ये भूरा कलर का होता है और डार्क ग्रे कलर जो ये कलर का होता है। लेकिन ये जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो मुंह के अंदर से एक ब्लैक डार्क ब्लू स्याही की कलर का एक रंग दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत भयानक लगता है। और ब्लैक मम्बा के ऐसा सांप है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये दौड़ सकता है। और ब्लैक मम्बा का ये ज़्यादातर पेड़ों में अक्सर पाया जाता है, जंगल में पेड़ों में विचरण करता है। ब्लैक मम्बा का लंबाई लगभग आमतौर पर 2 मीटर का होता है, लेकिन 4 से 5 मीटर का भी लंबा ये जंगल में देखा गया है। और ब्लैक मम्बा ये अपने जगह का अनुसार अपना रंग जो है कलर परिवर्तन कर सकता है। ब्लैक मम्बा का सबसे खासियत यह है कि ब्लैक मम्बा कुछ ही सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में लगभग 10 से 12 बार ये काट सकता है, और उतने देर में लगभग 400 मिलीग्राम वेनम ये छोड़ सकता है। और इसका जहर जो है बहुत ही फास्ट एक्टिव न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसके कारण जो है जिस भी प्राणी जिस शिकार में ये बाइट करता है कुछ ही क्षण में ये पैरालिसिस मार देता है। 15 से 3 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाता है दोस्तों इसका जहर से। और 1 मिलीग्राम जहर इंसान के लिए घातक है, 1 मिलीग्राम जहर से किसी भी इंसान को ये मार सकता है। ब्लैक मम्बा का अफ्रीका में हर साल 20,000 मौत के लिए जिम्मेदार होता है। और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसका जब एंटीवेनम नहीं बना था उस समय में इसका काटा हुआ एक भी मरीज नहीं बचा है, इतना खतरनाक इसका जहर है। फास्ट एक्टिव न्यूरोटॉक्सिन जिसके कारण जो है पैरालिसिस के साथ साथ पेशेंट कोमा में कुछ ही देर में चल जाता है, उसके बाद उसका मौत हो जाता है। और उसके साथ साथ ब्लैक मम्बा जो है एक बार में लगभग 6 से 25 अंडा देता है। इसका और एक खासियत है, अंडा देने का तुरंत जो है अपना अंडे को छोड़ के दूर चल जाता है, और उसके बाद इसका अंडा से बच्चा बाहर आता है 3 महीने के बाद। और बच्चा आते ही खौफनाक बन जाता है, उस समय में किसी को भी बाइट कर लेगा। उस बच्चा में इतना जहर होता है किसी भी इंसान को, किसी भी शिकार को मार सकता है। इसका देखा गया है कि ये जंगल में ब्लैक मम्बा एक बड़ा सा शेर को एक बार नहीं 10 बार काटते हुए उसको दर्दनाक मौत मारा है। इसका आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में बहुत सारा। और इसके साथ साथ ब्लैक मम्बा का 10 रोचक तथ्य ऐसा मैं बताने जा रहा हूँ जो आपका स्क्रीन पर है। दोस्तों ब्लैक मम्बा विश्व का सबसे फुर्तीला सांप है। ब्लैक मम्बा 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। तीसरा, ब्लैक मम्बा एक बार में 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकता है। चौथा, ब्लैक मम्बा 1 मिलीग्राम जहर से इंसान का मौत हो सकता है। ब्लैक मम्बा परिस्थिति अनुसार अपना रंग बदल सकता है। ब्लैक मम्बा 5 मीटर तक लंबा हो सकता है। एक बार में ब्लैक मम्बा 6 से 26 अंडा देती है। अंडे देने के बाद
ये छोड़कर अपने बच्चे को चली जाती है। मामा 5 सेकेंड में 10 से 12 बार ये बाइट कर सकता है। ब्लैक मामा के काटने से हर साल अफ्रीका में 20,000 मौत होती है। दोस्तों, ब्लैक मामा जब भी किसी को बाइट करता है, सबसे पहले आँख का सामने अंधेरा सा छा जाता है। उसके साथ साथ मरीज जो जिसको बाइट करता है वो पैरालिसिस हो जाता है। उसके बाद जो है उस समय में इसका एंटीवेनम अगर जल्द से जल्द ना दिया जाए तो मुश्किल है बचना। दोस्तों, आज हम लोग ब्लैक मामा के बारे में जान लिए, और इसी तरह आप सभी को अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सांप के बारे में जानने के लिए आप कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को सांप के बारे में जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ रहे हैं किंग कोबरा का साथ। जय हिंद, जय भारत।